नमस्कार देश विदेश सहित मु विकास बुलेटिन आरंभ करबा हेले प्रथम देखि नबा कोन रहिछि हेडलाइंस। कोविड विरोधी लड़ई में भारत को ऐतिहासिक सफलता। भारत में कोविड 19 टीकाकरण में 750 मिलियन अर्थात 75 कोटी डोज पूरा। द्रुत टीकाकरण क्षेत्र में अन्य बड़ बड़ देश को पछरे पकाई भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कला भारत पदक्षेप को प्रशंसा। गुजरात में आरंभ होला पटेल सरकार। मुख्यमंत्री भाव शपथ नेले वरिष्ठ बीजेपी नेता भूपेन्द्र पटेल। समारोह में उपस्थित थे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह। किसी दिन भितर कैबिनेट गठन नहीं निष्पत्ति। आसंता उत्तर प्रदेश में महाराजा महेन्द्र प्रताप यूनिवर्सिटी शिलान्यास कार्यक्रम में जोगदेवे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी भाव में स्वर्गत महाराजा महेन्द्र प्रताप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देते जमीदान। कालीर कार्यक्रम में महाराजा परिवार लोके एवं विशिष्ट शिक्षाविद तथा राजनेता माने देवे जोग। पद्म धरले कांग्रेस नेता तथा पूर्वतन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का नाती इंद्रजीत सिंह। बीजेपी दिल्ली मुख्य कार्यालय में आयोजित मिश्रण पर्व हेले दल में सामिल। जे जे जैल सिंह को कांग्रेस अणदेखा करथिबा कहिले इंद्रजीत। एवं बीजेपी में सामिल होगा थिला जे जे इच्छा। ओडिशा रे वर्षा विपात दुई दिन लघुचाप वर्षार बेहाल स्थिति। जगतसिंहपुर पुरी खोर्धारे भांगिला घर। केन्द्रापड़े कांथ भुशुड़ी गला जीवन। ट्विन सिटी रे घर भितर आठुए पा। गंजाम रे धसिला डाइवर्स। वर्षा आणव कि बन्या लगा वर्षा फुलुची नदी। विपद संकेत प्रवाहित तो होती जलका। 7 जिला को रेड और 12 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी। संभाव्य स्थित जल संपद विभाग नजर। आईएमडी डीजी सूचना 17 में आसुच्छे आउ एक बड़ वर्षा। आसवा संपूर्ण खबर को। कोविड विरोधी लड़ई में भारत को मिली ऐतिहासिक सफलता। भारत में कोविड 19 टीकाकरण 750 मिलियन डोज अर्थात 75 कोटी डोज पूरा होतीस। तो द्रुत टीकाकरण क्षेत्र में अन्य बड़ बड़ देश को पछरे पकाई भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत पदक्षेप को प्रशंसा कर। भारत में प्रथम 10 कोटी डोज टीकाकरण 85 दिन समय लगे कि 65 रु 75 कोटी डोज पूरण मात्र 13 दिन समय लगी। कोविड टीकाकरण में भारत हासिल कला नुआ माइल खुंट। 75 कोटी भारतीय को दिगला कोविड टीका डोज। मात्र 13 दिन में 10 कोटी लोक नेले कोविड टीका। भारत उद्यम को प्रशंसा कला विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत में कोविड 19 टीकाकरण 750 मिलियन अर्थात 75 कोटी डोज पूरा हो। एथिसह द्रुत टीकाकरण क्षेत्र में अन्य बड़ा बड़ा देश को पछरे पकाई भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत ही पदक्षेप को प्रशंसा कर। भारत में प्रथम 10 कोटी डोज टीकाकरण 85 दिन समय लगी किंतु 65 कोटी रु 75 कोटी डोज पूरण मात्र 13 दिन समय लगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र आंचलिक निर्देशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह एने ट्वीट करी भारत को शुभेच्छा जनाइछंती। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एने ट्वीट माध्यम रे सूचना देवासह से लिखिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका प्रयास मंत्र सह विश्वर सबुठ बड़ टीकाकरण अभियान लगातार नुआ कीर्तिमान स्थापन करुछि। देश स्वाधीनतार 75तम वर्ष रे भारत रे टीकाकरण 75 कोटी पार करितिबा ट्वीट जोगे प्रतिक्रिया रखी केंद्र स्वास्थ्य मंत्री। आज हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे देश में 75 करोड़ वैक्सीन की डोज लगवाई जा चुकी है। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार का जिन्होंने पूरे देश में फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाई। मेरी आप सभी देशवासियों से भी अपील है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं जिससे कि आप आपका परिवार और पूरा देश कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सके। कोविड से जंग में कोविड को हराने के लिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत के वैज्ञानिकों ने
भारत में ही मेक इन इंडिया का टीका करने का, बनाने का, निर्माण करने का काम शुरू किया। वहीं पर जन जन को मुफ्त में टीका मिले, वैक्सीनेशन हो, इसके लिए भारत सरकार ने पैसों का प्रावधान भी किया। मैं बधाई देता हूं टीका लगाने वालों को भी और लगवाने वालों को भी, कोविड वॉरियर्स को भी। चलित वर्ष जनवरी 16 रु देश में टीकाकरण अभियान आरंभ होइथिला। प्रथम पर्याय स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण करा जाइथिला। वर्तमान सुधा 6 राज्य और केन्द्रशासित अंचल समस्त साबालक अंततः गोटे लेखाएं कोविड टीका डोज नहीं सारी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। आसंतकाली उत्तर प्रदेश अलीगढ़ ठारे महाराजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से चली व्यापक प्रस्तुति। प्रधानमंत्री जोगदेवे राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यह पूर्व आज मुख्यमंत्री शिलान्यास तथा सभास्थल बुली समस्त व्यवस्था को जांच कर। विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी तथा सांसद स्वर्गत महाराजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जमीदान कर निज पदान्यतार परिचय देते। शिक्षा क्षेत्र में तांकर अवदान को सम्मान देवा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजा नाम से एक स्टेट यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठा निष्पत्ति नहीं जहाँ कार्यकारी हो। आसंता विश्वविद्यालय शिलान्यास उत्सव में प्रधानमंत्री महाराजा परिवार लोक और विशिष्ट शिक्षाविद तथा राजनेता माने जोगदेवार कार्यक्रम रही। सहर में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर सूचना देते अलीगढ़ मंडल डीआईजी। मशहूर क्रांतिकारी और इस राष्ट्र के शिक्षाविद जिन्होंने कि अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की स्थापना की राजा महेंद्र प्रताप जी के सम्मान में कल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी, उसी क्रम में यह पूरी तैयारी की जा रही है। जो हमारी सिक्योरिटी की ड्रिल है उसके हिसाब से पूरी ड्रिल कर ली गई है, एसओपी के हिसाब से पूरी ड्यूटी लगा दी गई है। जो भी सीएपीएफ की टीमें थी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, उनकी ड्यूटी लगा दी गई, आरएफ की लगा दी गई और डिफरेंट जो सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो कर लिया गया है। पार्किंग और की फैसिलिटी को हम लोगों ने देख लिया है कि पार्किंग किस तरह से करना है और इन सभी को हम लोग पार्किंग को और साथ ही साथ जो हमारे ट्रैफिक का जो रूट है उन जगह पर भी व्यापक बंदोबस्त किया गया है ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई आम पब्लिक को नहीं हो। किसी प्रकार का कोई रूट हम लोग रास्ता नहीं रोक रहे हैं ताकि आम आवाम जो है इस हाईवे पर उनको किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। तेज राज्य में लगान वर्षा प्रभाव में 19,53,647 जन प्रभावित होती। जगत सिंहपुर जिले में सर्वाधिक 11,36,971 लोक प्रभावित होती। 53 ब्लक 2799 गाँ 14 परांचल प्रभावित होती। वर्षा जो वर्तमान सुधा 265 घर भांगी 3,819 लोक स्थानातर करजक जीवन जा केन्द्रापड़ दुईज और खोर्धार जड़े व्यक्ति मृत्यु घटी स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कार्यालय जमापड़ी। तेज लगा वर्षार बेहाल पूरा राज्य में लगाण वर्षा प्रभाव में 19,53,647 जन प्रभावित होता बड़ खबर आँचुची। जगत सिंहपुर जिले में सर्वाधिक 11,36,971 जन लोक प्रभावित होती। 53 ब्लक 2799 गाँ 14 परांचल प्रभावित होती। वर्षा जो वर्तमान सुधा 265 घर भांगी 3,819 लोक स्थानातर करजन जीवन जा केन्द्रापड़ दुईज खोर्धार जड़े व्यक्ति मृत्यु घटी स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कार्यालय पक्ष सूचना दी जा। देश विदेश आगक को खबर जारी रहा किंतु समय एवं छोट ब्रेक र। ब्रेक परे देश विदेश को स्वागत। आज पद्म धरी कांग्रेस नेता तथा पूर्वतन राष्ट्रपति ज्ञानी जयल सिंह नाती इंद्रजीत सिंह। एथिपाई बीजेपी दिल्ली मुख्य कार्यालय एक मिश्रण उत्सव अनुष्ठित होता। केन्द्रमंत्री हरदीप सिंह हाथ निज सदस्यतार प्रमाणपत्र ग्रहण करते श्रीयुक्त इंद्रजीत सिंह। यह अवसर में किपरी जेजे जयल सिंह को कांग्रेस अणदेखा करणना करते इंद्रजीत। जेजे जयल सिंह बीजेपी में जोगदे राजनीति आरंभ करने को परामर्श दे मन पक। पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी समय इंद्रजीत बीजेपी प्रचार कार्य करते दल में जोग दे मात्र आज जोगदे निजर स्वप्न पूरण कर। पंजाब कंग्रेस संकट सृष्टि होता बेले आगक आसूरी विधानसभा साधारण निर्वाचन
तेणु इंद्रजित बीजेपी में जोगदेवा से दल पर लाभदायक सब्यस्त हो पारे मन कर बहुत टाइम के बाद जो मेरे दादाजी यानी जैल सिंह जी थे उनकी मनोकामना आज पूरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ सलूक किया उनका दिल दुखा, जबकि उनकी जितनी वफादारी थी उसका सिला क्या दिया ये आप सब लोग जानते हैं। और जब मुझे मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि मैं वही इंद्रजीत सिंह बब्बू हूं जो फिल्मों में चला गया था, उस टाइम भी काफी पेपरों में आया था, तो मुझे जब भी मैं अपना कैरियर बना ही रहा था कि उन्होंने मुझे यहां पे बुलाया राजनीति में लाने के लिए, और स्पेशली उन्होंने उस टाइम पे जब वो राष्ट्रपति से हट गए थे तो फोर सर्कल रोड में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी से फोन करके उनसे मिलने के लिए कहा, तो जाके मिल गया उनसे आशीर्वाद लेके आया। गुजरात में आसंता वर्ष होगा विधानसभा निर्वाचन पूर्व गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन घटी। सोमवार भूपेन्द्र पटेल राज्यर मुख्यमंत्री पद पर शपथ नहीं, रविवार ही नाम में मोहर लगी। विजय रूपानी इस्तफा पर दल भूपेन्द्र पटेल नाम में मोहर मारी, एवं केवल भूपेन्द्र पटेल ही शपथ नहीं। कैबिनेट में कौन प्रकार परिवर्तन होना, गांधीनगर स्थित राजभवन में सोमवार एक कार्यक्रम में भूपेन्द्र पटेल को मुख्यमंत्री पदर शपथ पाठ कर। गुजरात में पटेल राज, गुजरात रो 17वां मुख्यमंत्री रूपे शपथ ग्रहण कले भूपेन्द्र पटेल। साची निष्ठा श्रद्धा श्रद्धा ने निष्ठा धरावीस। गांधीनगर में आयोजित होता शपथ ग्रहण उत्सव में केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह जोगदेवा सह गुजरात रो नूतन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को राज्यपाल आचार्य देवव्रत शपथ ग्रहण कराई। भूपेन्द्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह में मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रमोद सावंत मंच उपस्थित थिबा देखा जाई। ये मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल जी को मैंने शुभकामनाएं दी है, अवश्य मुझे भरोसा भी है कि उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी और विकास भी गुजरात का जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है वो विकास यात्रा भी आगे बढ़ेगी, गुजरात रोल मॉडल बनेगा। 68 वर्षीय बीजेपी नेता भूपेन्द्र पटेल गुजरात रो नूतन मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करने पर ट्वीट कर अभिनंदन जनाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। मोदी ट्वीट कर लिखिंट भूपेन्द्र नेतृत्व में राज्यर गरीब कृषक एवं वंचित वर्गर कल्याण पर पूर्ण भक्ति और उत्सर्गीकृत कार्यकारी गुजरात विकास यात्रा को नूतन उच्चता को नहीं जीवे। सेपरि केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य ट्वीट करी गुजरात रो नूतन मुख्यमंत्री को शुभेच्छा जनाइछंती। वी विल सपोर्ट आवर डैडी सो मच बिकॉज़ वी हैव वी नो ही विल सर्व अस वेरी वेल, वेरी हैप्पी। इट्स फील लाइक दिवाली एट द मोमेंट एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट दिस। तबे विजय रूपानी को इस्तफा पर दल भूपेन्द्र पटेल को नाम रे मोहर मारिथिला, एबे केवल भूपेन्द्र पटेल ही शपथ नहींछंती। कैबिनेट रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होइनाई। से गुजरात रो घटे लोदिया विधानसभा सीट रु विधायक अछंती। 69 वर्षर भूपेन्द्र पटेल प्रथम थर ही विधायक बनिथिले, एबे सीधा जाई मुख्यमंत्री पद पाइछंती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। भारत एवं अमेरिका मध्यरे जलवायु अभियान एवं आर्थिक संग्रह कार्यक्रम शुभारंभ हो जाइछ। अमेरिका राष्ट्रपति जलवायु संबंधित स्वतंत्र राष्ट्रदूत जॉन केरी दुईदिनिया भारत गस्तरे आसीथिबा बेले आज एही कार्यक्रम शुभारंभ होइछि। ए अवसर में दुई देशर राजनेता मिलित बयान जारी करथिले। जलवायु परिवर्तन आज दिन में विश्वपाई बड़ चैलेंज और भारत यार मुकाबला करबा पई प्रतिबद्ध बोली केन्द्र परिवेश मंत्री भूपिंदर जादव यह अवसर में कहते। एथसहित केन्द्रमंत्री कही जलवायु परिवर्तन मुकाबला दिगरे भारत काम करुवा बेले अंगार कामल निर्गत कर रोकवा दिगरे पदक्षेप ग्रहण करुच्ची। भारत और आमेरिका मध्य सहभागिता जलवायु अभियान को अधिक सुदृढ़ करी केन्द्रमंत्री कहते। सेपरि अमेरिकार स्वतंत्र जलवायु राष्ट्रदूत जॉन केरी विनाशकारी परिणाम रोकवा दिगरे शीघ्र पदक्षेप ग्रहण करने उपर गुरुत्व देते। अवसर में भारत द्वारा भारत सरकार को द्वारा ग्रहण करा जाउथवा पदक्षेप एवं प्रधानमंत्री मोदी को से प्रशंसा मध्य करथिले। इंडिया इज कमिटेड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड आल्सो फॉर मीटिंग इट्स कमिटमेंट
made to the international community under the convention and its Paris climate change agreement. The government is addressing challenges posed by climate change through its several key initiatives. We are working proactively in promoting low carbon and sustainable lifestyle, and our action translate into India's multiple policies and programs aimed at synchronizing development and climate change action at national, state, and local levels. The India economy is becoming greener through this conscious action, and there are efforts to enhance energy efficiency across the economy, increase the share of renewable energy in the national mix, and enhance forest and tree cover, while simultaneously meeting India's development challenge in a sustainable manner. India's climate action are rated high in many independent assessments. India has achieved reduction of 24% in emission intensity of its GDP between 2005 and 2016, thereby achieving its pre-2020 voluntary target. India's NDC has been rated as 2 degrees Celsius compatible. India's Honorable Prime Minister has further announced the aspirational target of renewable energy capacity of 450 gigawatt by 2030. India's total forest and tree cover is 24.56% of the total geographical area of the country, and it is increasing. We are moving ahead to achieve targeted forest and tree cover of 33% of total geographical area. India's forest and tree cover from 2009 to 2019 is 23,608 square kilometer. In the last two assessments of 2017 and 2019, there is an increase of 5,188 square kilometer in forest and tree cover. विभिन्न कृषिजात उत्पादन उपरे एमएसपी थिला एवं रहइबो या प्रमाणित करिछि सरकार को द्वारा धार्य एमएसपी दररे चलित वर्ष किना जाइतबा धान एवं गहम सूचना अनुसार 2020-21 रे धार्य एमएसपी दररे किना जाइतबा 879 लाख मेट्रिक टन धान सेहिपरि 2021-22 रबी मार्केटिंग सीजन रे पाखापाखी 433.44 लाख मेट्रिक टन किना जाइछि गहम या पूर्व वर्ष गुडी कठारु अधिक जाकु सर्वकालीन रेकर्ड बोली मध्य कुआ जाउछि विरोधी दल कृषक मानक भ्रमरे पकाइबा पई जे अपप्रचार चलैछन्ती सरकार क ई पदक्षेप ताकु भूल प्रमाणित करैछि जोरदार हेबाकु जाउछि पश्चिमबंग भवानीपुर विधानसभा आसनर उपनिर्वाचन सेठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ा टक्कर देबा पई मैदान को ओल्हाइछन्ती बीजेपी रो टाणुआ प्रार्थी प्रियंका टिब्रेवा एथिपाई आज एक विशाल शोभायात्रा जाई निज प्रार्थी पत्र दाखल करिछन्ती प्रियंका टीएमसी सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सह तांकर राजनैतिक लड़ई को अन्याय अत्याचार विरोध में लड़ई बोली कहिछन्ती प्रियंका भवानीपुर भोटर माने ममतांक दुर्नीतिग्रस्त शासन विरोध में एकाठी होई तांकु समर्थन करबा सहित इतिहास सृष्टि करबाकु से आह्वान देइछन्ती तांकर शोभायात्रा अनेक समर्थक बाहरिबा सह शामिल होइतिले एवं कलाकार माने पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन करबा देखा देइतिला भवानीपुर में ममता को समर्थन करी कांग्रेस कौनसी प्रार्थी छिड़ा करनी तेणु यही उपनिर्वाचन रे ममता एवं प्रियंका अर्थात टीएमसी एवं बीजेपी मध्य रे जोरदार फाइट हेबाकु जाउछि सेप्टेम्बर 30 रे वोटिंग होई अक्टोबर 3 रे फलाफल घोषणा हेबार कार्यसूची रहिछि बुलेटिन आगु खबर जारी रहइबो किंतु समय हेबो एक ब्रेक रो ब्रेक पर स्वागत बीजेडी 20 विधायकों पर अड़ुआ बढ़ी विधायक होगा सत्वे लाभजनक पदे रही सरकारी सुविधा ग्रहण करने से महंगा पड़पे आवेदनकारी समरेन्द्र बेहरा अभियोग को आधार कर हाइकोर्ट जवाब तलब करने एक्शन मुड्रे राज्यपाल कार्यालय एने राज्यपाल जातीय निर्वाचन कमिशन मतामत मिलवा पर संसदीय व्यापार विभाग को चिठी लिखि खोलताड़ आरंभ कर राज्यपाल कार्यालय ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विवाद रे छंदी होइतिबा 20 विधायकों पई बढ़िला अड़ुआ विधायक हेबा सत्वे अन्य लाभजनक पदरे रही सरकारी सुविधा नेबा पड़ी पारे महंगा सरकार को राज्यपाल मागिले नियुक्ति स्टेटस पद हराइ परते 20 बीजेडी विधायक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विवाद रे छंदी होइतिबा ए हेउछंती सेही 20 विधायक अनंत दास देवेश आचार्य व्यवकेश राय प्रशांत मुदुली प्रशांत जगदेव शारदा नायक प्रमोद मल्लिक भूपिंदर सिंह अनंत नारायण जेना
एही 20 विधायकों को सरकार देछंती राष्ट्रमंत्री पाहर मान्यता एमाने जिला योजना कमिटी व विभिन्न निगमर अध्यक्ष अछंती तबे विधायक पदरे थाई अन्य लाभजनक पदवी रही पारिबेनी बोली एमानक विरोध रे हाईकोर्ट जाईतिले आवेदनकारी समरेंद्र बेउरा मामलार सुनाणी करी हाईकोर्ट राज्यपाल को रिपोर्ट तलब करबा परे जातीय निर्वाचन कमिशन का मतामत लोडीतिले राज्यपाल एने अगस्ट 26 तारीख रे जातीय निर्वाचन कमिशन निजर मतामत राज्यपाल को जणाइबा परे राजभवन पक्षर खोलताड़ आरंभ होई राज्यपाल कार्यालय पक्षर राज्य संसदीय व्यापार विभाग को विधायक मानक नियुक्ति संक्रांत और निर्वाचन कमिशन मागिथिबा तथ्य संपर्क में रिपोर्ट तलब करा जाइछि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्ट्रेंथटा सबुबेले 15% हबा कथा एटा कॉन्स्टिट्यूशन रे लेखा अछि तो 15% ऑफ 147 इज 22 तो 22 जन मंत्री गठारु अधिक मंत्री हबा कथा नहि सेपडे संसदीय व्यापार विभाग रो एने योजना व संयोजन विभाग को चिट्ठी लेखि रिपोर्ट मागिछि संसदीय व्यापार विभाग रो अतिरिक्त सचिव मनोज देवी सेप्टेम्बर 4 तारीख रे योजना व संयोजन विभाग रो अतिरिक्त सचिव को चिट्ठी लेखि 20 जन विधायकों को विभिन्न सरकारी पद पदवी रे नियुक्ति संपर्क रे तुरंत जणाइबा को कहिछथि तबे एहरि भितरे योजना व संयोजन विभाग समस्त तथ्य दे सारिथिबा जणा पडिछि संविधान रो धारा 191 एके अनुसार जति एही विधायक माने लाभजनक पदवी रे रहितिबार हाईकोर्ट रे प्रमाणित हुए ताहाले समस्त विधायकों को पद रद्द होई पारे त्वेने सरकार किबा शासक दल पक्षर कोनसी प्रतिक्रिया मिलि पारि नथिबा बले सुनंतु कोन कहउछन्ति विरोधी नवीन बाबूंकर सरकार संविधान रो विधि व्यवस्था को उल्लंघन करिकि केवल दलीय कर्मी मानंकु खुशी करिबा पई असंतोष रु बर्तिबा पई तांकु जो थैथान कले ओडिसा सरकार एवं जो कोटी कोटी टंका ओडिसा सरकार रो राजस्व क्षति हैला मु तो दाबी करिबी जे तुरंत से विधायक माने तांकर विधायक पद रद्द हेबा आवश्यक जणे जणे विधायक आडे विधायक हिसाब रे पेमेंट नेबे छाडे चेयरमैन हिसाब रे पेमेंट नेबे याडे डायरेक्टर हिसाब रे पेमेंट नेबे याडे चेयरमैन हिसाब रे पेमेंट नेबे एटा हबाटा उचित नो कारण गरीब जनसाधारण पैसा टाकु नवीन बाबू एभलिया करिया उचित नो बीजेडी रो 20 जण विधायकक संपर्क रे तथ्य मगा जाइथिबा बळे सेमानक मथुरो 12 जण जिला योजना कमिटी अध्यक्ष भाबे राष्ट्रमंत्री पाइहर सुविधा सुजोग नेउछंती सेमाने बाबत रे राज्य राजकोष रो प्राय 1.5 कोटी टंका लेखाय नेउछंती समस्त विधायक भाबे दरमा नेउथिबा बळे जिला योजना कमिटी अध्यक्ष भाबे निजरो व्यक्तिगत सचिव ओ पीएम क पाई मासिक 51,000 टंका सह राष्ट्रमंत्री पाइहर पारिश्रमिक डीएडीए व कोटिए गाड़ी मध्य व्यवहार करुछंती भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा को सह दीप्य ज्योति महंती की रिपोर्ट अर्गस न्यूज समय सारी बुलेटिन कई रखा नमस्कार।